check the mic and make sure it sound right, boy. सो हे गाइस अवाइट गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। फाइनली अभी कैंप पहुँचे, आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा गाड़ी पार्किंग में लगा दी। अभी भैया आ रहे हैं, लगेज वगैरह निकालते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का कैंप साइट कैसा है। सारे कैंप ही कैंप हैं यहाँ चारों तरफ। सो या देखते हैं, फिर बताते हैं आगे का प्लान क्या है। मोना जी, डर तो नहीं लग रहा? बहुत लग रहा है। मोना की हालत खराब हो गई लिटरली, स्टार्ट हो गई। एक तो रास्ते ने मुझे डरा दिया और अभी तो राफ्टिंग में और ज़्यादा डर लगेगा। जो भी है, डर लगता है। एंजॉय तो करने आई हैं, बाकी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, सफ़र का पार्ट है। सो ऐसा कुछ टेंट है यहाँ पे, एक डबल बेड यहाँ लगा हुआ है, एक सिंगल बेड है। बाकी ऋषिकेश में गर्मी है तो उसके लिए कूलर चल रहा है। लाइट पॉइंट है एक यहाँ पे चार्जिंग वगैरह करने के लिए, और अटैच्ड एक वॉशरूम। सो यार कैंप तो थोड़ा बेसिक ही है, लेकिन जो बाहर के नज़ारे हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ग्रीनरी है, फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। सो यार गर्मी है तो स्विमिंग पूल में तो मज़े आने वाले हैं यहाँ पे। सो अभी 1:30 बज गया, सो खाने का टाइम हो गया। सारा कुछ टाइमिंग के हिसाब से तो 1:30-2:30 लंच मिलेगा। पहले लंच करते हैं बिकॉज उसके बाद फिर पूल इज़ वेटिंग फॉर अस। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज पूल कहीं भी मिल जाए अपन तो कूद जाते हैं। पूल में नहाएंगे, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। क्यों? बिल्कुल। बाकी मोना की तो हालत खराब है। क्यों लग रहा है मेरे को? नहीं आपको लग रहा है? चले आ जाओ। सो यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स हैं, और एक यूनिक चीज़ ये है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि सारे कैंपों के जो नाम हैं वो किसी न किसी रिवर के ऊपर हैं। जैसे यहाँ पे रामगंगा, जो हमारा कैंप है वो चिनाब के ऊपर है। जैसे ये पार्वती रिवर, भागीरथी, गंगा, यमुना, सरस्वती, मतलब इस टाइप से बने हुए हैं सारे कैंप्स। और काफ़ी सारे कैंप्स हैं, आई थिंक 50 के आसपास कैंप्स हैं। चलते हैं, लंच करते हैं पहले। ये डाइनिंग एरिया लंच ब्रेकफास्ट डिनर के लिए। चलो ये आ गई है अपनी लंच की प्लेट। दो सब्जी हैं और एक दाल है, चावल है, प्याज है, रायता है और तंदूरी रोटी है। यार खाना खाते हैं, भूख ज़्यादा तो नहीं लग रही लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं क्योंकि फिर एनर्जी पूल में कम हो जाएगी। सारी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं पूल पे। ये है पूल नीचे। अभी फ़िलहाल में तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलते हैं, इन्जॉय करते हैं। और माउंटेन्स के बीच में पूल, नज़ारे ही अलग हैं। लेकिन आई थिंक ज़्यादा डीप नहीं है भैया, है ना? उस साइड होगा। मोना भी रेस्ट कर रही है। मोना भी बुलाते हैं बिकॉज पहले काफ़ी सारे लड़के थे, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे। अभी सब जा चुके हैं, पूल में चलते हैं और इस गर्मी से राहत पाते हैं। आइए। Check the mic and make sure it sound right, boys. आ जाओ। मैं तो पूरी आ जाऊंगी यार, इतनी लाइट है मेरी। मम्मी आ रहा है। ओह ये। लगाओ डुबकी। Oh,
सो अभी टाइम हो गया शाम के 5 और 2.5 घंटे हम लोग पूल में रहे, मतलब इतना एंजॉय किया, इतनी मस्ती की और पता ही नहीं चला कितना टाइम पूल में निकल गया। बाकी थकान बहुत ज़्यादा हो रही है बिकॉज पूल में जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, स्विमिंग वगैरह करते हो, सो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और सारा खाना पच गया है, अभी थोड़ी सी भूख लग रही है। सो कैंप में चलते हैं, कुछ चाय वगैरह मंगाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और एक दिन का व्लॉग का भी गैप हो गया है, सो अभी उसकी एडिटिंग करनी है, इस वजह से वो व्लॉग डिले है, सो आपको एक दिन बाद देखने को मिला होगा। सो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिलहाल। सो बैठ के एडिटिंग कर रहे थे और यहाँ पे आ गया अपना इवनिंग स्नैक्स, चाय, पीनट पापड़ और गर्मा गर्म पकौड़े। सो अभी कैब में बैठे हुए हैं, स्नैक्स एंजॉय करते हैं, बाकी हमारी चल रही है एडिटिंग बिकॉज व्लॉगर्स लाइफ, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। ऐसा लग रहा है जल्दी से खाओ खाओ हो गया अब तो, शूट की वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ता है, ये तो है प्रॉब्लम। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग अभी डिनर करके आए हैं और यहाँ का खाना बहुत यम्मी है, सच में बहुत यम्मी है। और मुझे हर जगह का खाना अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है, चाहे वो खाना है, लंच है, जो भी है, मतलब डिनर है, जो भी कुछ है, तो बहुत यम्मी है। और मोना को खाना पसंद आ गया, तो सच में खाना अच्छा मुझे था, हर जगह का खाना अच्छा नहीं लगता। और आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, पूल में हम बहुत देर एंजॉय कर रहे थे, बाकी व्यूज आपने आगे देख लिए होंगे कितने खूबसूरत हैं। बाकी आज बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, सो वैसे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, व्लॉगिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, सो अभी थोड़े से थके हुए हैं, सो अभी बाहर बैठे हैं खाना खा के, अभी रेस्ट करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे कल, बिकॉज़ कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सभी लोग, बिकॉज कल राफ्टिंग होने वाली है और मैंने तो पहले की हुई है लेकिन मोना का फर्स्ट टाइम है, सो आर यू एक्साइटेड? डर लग रहा है? मैं एक्साइटेड हूँ। कोई नहीं, कल सुबह सारा डर निकल जाएगा जब ठंडे ठंडे पानी में हम मॉर्निंग के टाइम पे अपनी राफ्टिंग करेंगे, सो सारी थकान, सारी नींद, सब कुछ दूर हो जाएगा, मतलब सो अब उसके लिए वेट करते हैं और आपसे कल सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में। तो वेरी गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके हम लोगों ने गाड़ी में सामान लोड किया है और अब हम लोग जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। तो राहुल आपको डर लग रहा है? नहीं सही बताऊं तो लग, और राफ्टिंग से ज्यादा मुझे इस रास्ते का डर लग रहा है राफ्टिंग तो देख लेंगे, आपने पहले कर चुके हो आप, लेकिन मैं मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा है, बट मुझे तो करनी है अब, कोई नहीं, बार बार यहाँ नहीं आएंगे ना, डर के ही आगे जीत है। तो चले, हाँ चलो आओ। सो फाइनली सफ़र शुरू करते हैं और ये जो ऋषिकेश, सॉरी ये शिवपुरी तक जो हमें पहुंचना है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब रूट है, 4-5 किलोमीटर का, आप देख सकते हैं सामने, सो बस इसी का डर है, बाकी राफ्टिंग वाफ्टिंग तो देख लेंगे, बस ये रास्ता जल्दी निपट जाए बिकॉज हम जल्दी निकल रहे हैं कि गाड़ी सामने से ना आ जाए, बिकॉज एक ही गाड़ी का रास्ता है, अगर सामने गाड़ी आ जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि हमें आगे से कोई गाड़ी ना मिले। सो सफ़र शुरू करते हैं। जय श्री राम। सो फाइनली पहुंच गए शिवपुरी, ये पीछे चौकी है, यहीं पे राफ्टिंग का बुकिंग ऑफिस है, यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं बिकॉज बाकी लोग अभी नहीं आए हैं कैंप से, तो जब बाकी लोग आ जाएंगे बिकॉज पूरा ग्रुप जाएगा एक साथ, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, बाकी अपन तो तैयार है, थोड़ा सा डर लग रहा है, अब देखते हैं कैसा रहता है। सो ये अपनी
बोट्स सभी लोड हो रही हैं, बाकी लोग आ रहे हैं। बाकी एक फॉर्म फिल करा लिया है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो हमारा कोई रिस्क नहीं है, सारा रिस्क जो लोग राफ्टिंग कर रहे हैं उनका है। ये भी डॉक्टर है, ऑपरेशन से पहले ही साइन करा लिया। बिल्कुल साइन करा लिया है। Check the mic and make sure it sound right, boys.